नमस्कार दोस्तों, मैं बीरबल यादव पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग एक नए अंदाज में। रीजनिंग नए अंदाज में पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें बाय स्टडी यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करें और बनिए जीरो से लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म चौधरी आपको पढ़ाऊंगा राजनीति विज्ञान एक नए अंदाज में। पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें बाय स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रमोद यादव एक बार फिर आपके साथ में बाय स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और इस क्लास में आज हम बाल विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और विकास के इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस में भी सिगमंड फ्रायड के एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में हमने अध्ययन किया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। के साथ में दूसरा सिद्धांत आता है मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। और साथियों, इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा, कि बाल विकास पर उस बच्चे का जो विकास है उसमें लैंगिक अवस्थाओं का भी प्रभाव पाया जाता है। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि अगर बालक की बात की जाए तो बालक के विकास पर, उस बच्चे के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पाया जाता है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। बाल विकास में अगर हम बात करें तो बाल विकास के ऊपर बच्चे की इस सेक्सुअल टेंडेंसी का बहुत बड़ा प्रभाव पाया जाता है। और काम प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण ही सिगमंड फ्रायड ने इसे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत कहा है। साथियों, अगर पूछा जाता है कि इसे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत क्यों कहा, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि सिगमंड फ्रायड ये स्वीकार करते हैं कि एक जो बालक होता है, उस बालक के अगर विकास की बात की जाए तो उस बालक के विकास के अंतर्गत साथियों क्या होता है, उसकी लैंगिक अवस्थाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पाया जाता है। और इसी कारण से क्या कहा जाता है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है, कि जिस प्रकार से बच्चा अपना विकास करेगा तो उसके अंतर्गत उसकी काम प्रवृत्ति प्रभावी होती है। और काम प्रवृत्तियों का प्रभाव बालक के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ये मानते कब से प्रारंभ होता है, ये जन्म से ही प्रारंभ होता है बच्चे में। जो सेक्सुअल टेंडेंसी है ये बच्चे में कब से प्रारंभ होती है, जन्म से प्रारंभ होती है और ये विभिन्न अवस्थाओं में प्रभावी होती है। साथियों, जो काम प्रवृत्ति है वो बालक की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत प्रभावी होती है। और इसी आधार पर सिगमंड फ्रायड ने क्या किया गया है, इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत उल्लेख किया है कि बाल विकास में उस बच्चे के जो लैंगिक विकास की जो अवस्थाएं आएंगी उन्हें बाल विकास की लैंगिक अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। और ये कुल मिलाकर के अपने इस मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में क्या किया है, इस सिगमंड फ्रायड के द्वारा यहाँ बाल विकास में लैंगिक विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई साथियों, बाल विकास में मनोलैंगिक विकास की इन्होंने 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। साथियों, अपन से पूछा जाए कि मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया है। और इस सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में ये माना है कि बच्चे का जो विकास है वो किससे प्रभावित हो रहा है, उसकी काम प्रवृत्ति से बच्चे का विकास प्रभावित हो रहा है। और ये काम प्रवृत्ति बच्चे में कब से प्रारंभ होती है, जन्म से ही बच्चे में काम प्रवृत्ति प्रभावी होती है। और इसी आधार पर सिगमंड फ्रायड ने इसने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत कहा है। और ये जो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड ने बताई है साथियों, कितनी बताई है, मनोलैंगिक विकास के सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई है। साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, इसी में हम बात करते हैं मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। और ये जो अवस्थाएं हैं ये साथियों कितनी बताई उसने, 5 अवस्थाएं बताई हैं। और 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था जो सिगमंड फ्रायड ने बताई है उसे मुख्य अवस्था कहा जाता है। साथियों, कौन सी अवस्था? मुख्य अवस्था।
पहली अवस्था जिसे ओरल स्टेज कहा जाता है। ओरल स्टेज जो पहली अवस्था है साथियों, कौन सी बताई? मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज। उसके बाद में दूसरी अवस्था इन्होंने बताई जिसे कहा जाता है गुदीय अवस्था। कौन सी बताई साथियों? गुदीय अवस्था। हमारे मनोलैंगिक विकास की जो सेकंड स्टेज है उसे यहां नाम दिया गया है गुदीय अवस्था के नाम से, जिसे एनल स्टेज भी कहा जाता है। एनल स्टेज सेकंड जो स्टेज इन्होंने बताई है। एक तीसरी अवस्था और बताई सिगमंड फ्रायड ने, जिसे यहां लैंगिक अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था? लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था को यहां फैलिक स्टेज भी कहते हैं। फैलिक स्टेज जो हमारे मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है। तो तीसरी अवस्था को सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया है किसका? यहाँ पे लैंगिक अवस्था के नाम से। और उसके बाद में एक चौथी अवस्था और बताई सिगमंड फ्रायड ने, जिसे प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। प्रसुप्त अवस्था जिसे लेटेंसी स्टेज कहते हैं। लेटेंसी स्टेज हमारे बाल विकास की जो मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत चौथी अवस्था है, इसे प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है साथियों। और एक पांचवी अवस्था और बताई अंत में, जिसे जननेंद्रिय अवस्था कहा जाता है। जननेंद्रिय अवस्था, जो जननेंद्रिय अवस्था है जिसे अपन यहां जेनेटियल स्टेज के नाम से, जेनेटियल स्टेज, ये हमारे मनोलैंगिक विकास की पांचवी अवस्था है। तो ये पांच अवस्थाएं बताई गई हैं साथियों किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं? पांच अवस्थाएं हैं। और इन पांच अवस्थाओं में जो पहली अवस्था बताई वो बताई है मुख्य अवस्था, दूसरी बताई है वो कौन सी है? गुदीय अवस्था उसके द्वारा बताई गई है। तीसरी अवस्था इन्होंने लैंगिक बताई, चौथी इन्होंने प्रसुप्त बताई, और जो पांचवी अवस्था है इसे जननेंद्रिय अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये मनोलैंगिक विकास की पांच अवस्थाओं का उल्लेख सिगमंड फ्रायड ने किया है। साथियों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेवे। नेक्स्ट, इसी में अब हम बात करते हैं मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था, फर्स्ट, पहला जो स्टेज है जिसे सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया है साथियों मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था ये बालक में प्रभावी होती है साथियों, कब से लेकर के? जन्म से प्रभावी होती है। कब से लेकर के? जन्म से लेकर के। और एक वर्ष तक का जो उसका समय काल है वो कौन सी अवस्था में गुजरता है? उसका मुख्य अवस्था में। और इस पहली अवस्था में बच्चे के अंतर्गत जो काम प्रवृत्ति है, सेक्सुअल जो टेंडेंसी है बालक में, कौन सी प्रवृत्ति? जो काम प्रवृत्ति है वो बच्चे के कहां पर, कौन से भाग में स्थित होती है? मुख वाले भाग में स्थित होती है। यानी बच्चे में सेक्सुअल टेंडेंसी इस अवस्था के अंतर्गत कहां पाई जाती है? मुख वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसीलिए अपन ने इसका नाम दिया है कौन सी अवस्था? मुख्य अवस्था में। और यहाँ इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे के द्वारा क्या किया जाता है? दुग्धपान की क्रियाओं के द्वारा, दुग्धपान की क्रियाओं के द्वारा वो अपने लैंगिक विकास को प्रभावी बनाता है। तो इस स्टेज के अंतर्गत बच्चे का जो लैंगिक विकास प्रभावी हो रहा है वो उसके कौन से क्षेत्र में प्रभावी हो रहा है? उस बच्चे के मुंह वाले क्षेत्र में प्रारंभ होता है। इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने से नाम दिया है कौन से स्टेज? मुखी अवस्था। इसी के साथ में दूसरी अवस्था और बताई साथियों मनोलैंगिक विकास की, जिसे गुदीय अवस्था कहा जाता है। मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था जिसे सिगमंड फ्रायड ने गुदीय अवस्था का नाम दिया है साथियों, ये अवस्था कब से कब तक प्रभावी होती है? एक से लेकर के तीन वर्ष तक का जो समय है, एक से लेकर के तीन वर्ष तक का जो समय है उसे कौन सी अवस्था कहा जाएगा? गुदीय अवस्था कहा जाता है। और जन्म से लेकर के और एक वर्ष तक की आयु है उसे कौन सी अवस्था कहा गया साथियों? यहां इसे मुख्य अवस्था का नाम दिया गया, सेकंड से गुदीय अवस्था का नाम दिया जो एक से लेकर के तीन वर्ष तक प्रभावी होती है। और इस गुदीय अवस्था के अंतर्गत बच्चे में जो काम प्रवृत्ति है, सेक्सुअल जो टेंडेंसी बच्चे में पाई जाती है वो साथियों कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? यहाँ गुदा क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? गुदा क्षेत्र में। सेक्सुअल प्रवृत्ति बच्चे के अंतर्गत गुदा क्षेत्र में प्रभावी होती है। और इसी के कारण
इसे नाम दिया गया है कौन सी अवस्था, गुदीय अवस्था, और ये प्रभावी होती है बच्चे में एक से लेकर के और 3 वर्ष तक। बार बार इस प्रकार की क्रियाएं बच्चे के द्वारा इस अवस्था में दोहराई जाती है। और इसी के साथ में तीसरी अवस्था बताई उन्होंने, लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था जिसे फैलिक स्टेज के नाम से जाना गया है। और ये लैंगिक अवस्था बच्चे में प्रभावी होती है 3 से लेकर के और 6 वर्ष की जो हमारा समयावधि है बालक के विकास का, 3 से लेकर के 6 वर्ष। साथियों किसका है ये, यहां इसे लैंगिक अवस्था के नाम से जाना जाता है, 3 से और 6 वर्ष। यहां बालक के अंतर्गत जो लैंगिक विकास की अवधारणा है वो किसके रूप में प्रभावी होती है, यहां पर ओडिपस एवं इलेक्ट्रा, ओडिपस एवं इलेक्ट्रा ग्रंथियां, ओडिपस एवं इलेक्ट्रा ग्रंथियां बालक के अंतर्गत आने लगती हैं, इनका विकास होने लगता है कौन से स्टेज के अंतर्गत, लैंगिक अवस्था में। और जैसा कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों के बारे में सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में भी बताया था कि यहाँ इस ओडिपस ग्रंथि के कारण जो आकर्षण होता है वो बच्चे का अपोजिट सेक्स के रूप में, बालक का अपनी माँ के प्रति, बालिका का अपने पिता के प्रति प्रभावी होता है। ये चीजें आती है किसके अंतर्गत, इस मनोलैंगिक विकास की तीसरी स्टेज जिसे लैंगिक अवस्था कहा है। तो पहली जन्म से लेकर के 1 वर्ष वाली मुख्य अवस्था, 1 से लेकर के 3 वाली गुदीय अवस्था, और 3 से लेकर के 6 वाली जिसे लैंगिक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट अगली चौथी अवस्था और बताई है सिगमंड फ्रायड ने इसी के अंतर्गत, जिसको चौथी अवस्था का नाम दिया गया है प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्त अवस्था। ये जो प्रसुप्त अवस्था है ये बालक में प्रभावी होती है लेकर के 7 से और 12 वर्ष तक। 7 से लेकर के 12 वर्ष का जो टाइम पीरियड है वो बच्चे के कौन सी विकास की अवस्था कहलाएगी साथियों, जिसे प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक के अंतर्गत जो काम प्रवृत्ति है, सेक्सुअल जो टेंडेंसी है, वो काम प्रवृत्ति बालक के शरीर में, शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती है, किसी भी भाग में नहीं पाई जाती है, भाग में नहीं पाई जाती है। कौन से स्टेज के अंतर्गत है, प्रसुप्त अवस्था में, यानी यहां जो काम प्रवृत्ति है वो दृश्य नहीं होती है, दृश्यमान नहीं होती है, कौन से स्टेज के अंतर्गत, और इसीलिए इस अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहा गया है। परीक्षा में अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में जो काम प्रवृत्ति है वो शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, प्रसुप्त अवस्था। और उसके बाद में 5वीं अवस्था आती है जिसे जननेन्द्रिय अवस्था कहा जाता है, जननेन्द्रिय अवस्था। और ये जो जननेन्द्रिय अवस्था है, जेनिटल स्टेज, ये बालक के अंतर्गत आती है किसके बाद में, 12 वर्ष के बाद, किसके बाद में, 12 वर्ष के बाद जो बच्चे का लैंगिक विकास प्रभावी हो रहा है वो किसके कारण प्रभावी हो रहा है, यहाँ पर बच्चे का जो विकास है वो किसके रूप में चल रहा है, जननेन्द्रिय अवस्था के रूप में। और यहाँ एक बार फिर बच्चे में काम प्रवृत्ति प्रभावी हो जाती है, कौन से स्टेज में, जननेन्द्रिय अवस्था में, जहां इससे ठीक पहली वाली अवस्था में जो सेक्सुअल टेंडेंसी है वो काम हो गई थी, वहां दोबारा से ये प्रभावी होती है कौन से स्टेज के अंतर्गत, जननेन्द्रिय अवस्था में, और ये आती है 12 वर्ष के बाद में। और यहाँ जो काम प्रवृत्ति का इस्तेमाल है इस अवस्था के बाद में, हम इस प्रवृत्ति का उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, संतान उत्पत्ति के लिए ये सेक्सुअल टेंडेंसी बाल विकास के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो इस प्रकार से बालक की जो 5 अवस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने अपना मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पूरा किया है। साथियों हमने स्टार्ट किया था इस मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो देन है
वो अपने आप में किसकी है, सिगमंड फ्राइड की है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे ये? वियना के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। और इसने ये बात बताई है कि बालक के विकास में कहाँ प्रवृत्ति ज्यादा प्रभावी होती है, और इन्होंने इस अवस्थाओं को 5 अवस्थाओं के रूप में उल्लेखित किया है, जिसमें पहली अवस्था हमने मुख्य अवस्था के रूप में, दूसरी बुद्धि अवस्था के रूप में, तीसरी लैंगिक, चौथी प्रसुप्त और पांचवी जननेन्द्रिय अवस्था। किस किस स्टेज का टाइम पीरियड क्या है वो हमने इसके अंतर्गत देखा कि पहली अवस्था ही मुख्य अवस्था जो प्रारंभ हुई जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक, दूसरी आई बुद्धि अवस्था 1 से लेकर के 3 वर्ष तक, उसके बाद में लैंगिक अवस्था 3 से 6 तक, और उसके बाद में प्रसुप्त अवस्था 7 से 12, और लास्ट में आते जननेन्द्रिय अवस्था जो 12 के बाद में प्रभावी होती। साथियों आज हमने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आ रहे हैं। यदि आपने हमारे वाइस स्टडी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।